गाजीपुर बॉर्डर पर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपको बताएगा कि आखिर किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर किसान अब और क्या करने जा रहे हैं। माहौल बेहद गर्म है, क्या लगता है सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। आपने बसंती नाचती देखी है, गब्बर नाचेगा, देश कैसे बचेगा। अब तो बात इसकी हो रही, सरकार के जो संस्थान हैं वो इसलिए उनको जिंदा रखा जाता है कि वो जनता के लिए रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र भाटी। आज हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपको बताएगा कि आखिर किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर किसान अब और क्या करने जा रहे हैं। माहौल गर्म है, माहौल बेहद गर्म है। यहाँ पर तमाम किसान मौजूद हैं जो लगातार लगभग 11 महीने से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, लगातार 11 महीने हो चले हैं, क्या कहेंगे? सरकार तो मानने को तैयार नहीं है, अब क्या तो हम भी मानने को तैयार नहीं है। सरकार नहीं मान रही तो हम भी नहीं मानेंगे। इतने बिल वापसी नहीं, इतने घर वापसी नहीं है। किस तरीके की रणनीति तैयार करिए आगे? नहीं, आगे तो चौधरी साहब बताएंगे क्या रणनीति है। हम तो उनके आदेश के अनुसार यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 11 महीने हो गए, सर्दी गर्मी बरसात, और अब फिर दोबारा सर्दी शुरू हुआ। कोई बात नहीं, पहले भी सर्दी झेल ली, बरसात भी झेल ली, गर्मी भी झेल ली, अब भी फिर झेल लेंगे सर्दी जो भी है। और किसान नेता भी हैं हमारे साथ में, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, यहाँ आप पहुँचे हैं, लगभग 11 महीने हो चले हैं, क्या लगता है सरकार तो मानने को तैयार नहीं है? मान जाएगी, हमें कड़ा कोई जल्दी है, जब उनका मन चाहे बात कर लेना। शोले फिल्म 2 बनाएंगे हम, 24 में रिलीज करेंगे। आपने बसंती नाचती देखी है, गब्बर नाचेगा, गब्बर नाचेगा। बहुत खूब। राकेश टिकैत भी साथ में हैं, राकेश टिकैत के तमाम समर्थक भी हैं। बात कर लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी लगभग 11 महीने हो गए हैं, सरकार अड़ी हुई अपनी बात पर, किसान भी हैं, क्या कहेंगे? सरकार अड़ रही, मान नहीं रही सरकार। हाँ, सरकार को मानना चाह तो भारी मिल रहा है, लेकिन हाँ ठीक मिल रहा। क्या रणनीति आगे की? आगे की पूरे देश में जाएंगे, पंचायत करेंगे, हाँ मीटिंग करेंगे पूरे देश भर में। वो एयरलाइंस बेच दी, आज एक पता चला गया, हाँ एयरलाइंस बेच दी। हम बहुत दिन तक कह रहे मगर सारा बेचेंगे, रेलवे लाल किला, हाँ एयरलाइन सब बिक गई, पूरा बिक गया मामला। क्या कहेंगे? ये तो देश कहेगा। अब तो देश के नौजवानों को अब आ जाना चाह, टाइम आ गया। अब किसानों और सरकार के बीच में एक नेता भी आया है नया, अमरिंदर सिंह, वो आपके और सरकार के बीच में बात करने को तैयार है, क्या बात हो पाएगी? हमें तो नहीं मिले अभी में। हाँ सरकार में तो है नहीं शामिल, हाँ सरकार में क्या पोस्ट है उनकी? नहीं, वो बीच की बात करने को कह रहे हैं ना, कि आपके और उनके बीच में सरकार के चक्कर बनाना पड़ा। सरकार बहुत बेडब है, या जब हमारी नहीं मान रही उनकी मान जाएगी, उन्हें भी चक्करों में फंसाओगी। आगे जाएंगे, अब हैदराबाद जा रहे, वहाँ से महाराष्ट्र चले जाएंगे, प्रोग्राम है पूरे देश भर में जाएंगे। किस तरीके की बातें हो रही हैं आपकी? क्योंकि आप पूरे देश बिक लिया, ये देश कैसे बचेगा। अब तो बात इसकी हो रही, हाँ अनाजों पर कब्जा ना हो, देश की रोटी पर कब्जा होने जा रहा है, लोग भूख से मरेंगे। राकेश जी, हम देख रहे हैं आप कुछ ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ हिंदी इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर भी भारी समर्थन मिल रहा है, वहाँ पर किस तरीके से? भाव तो एक है सबका, भाषा अलग हो सके लेकिन भाव तो एक ही है। हाँ, फसलों का सवाल है तो मुद्दे तो सबका एक है। जब देश एक है तो भाषा अलग अलग हो सके। उम्मीद थी इतना निजीकरण होगा? इतनी नहीं थी, जितना हो रहा है इतनी नहीं थी। तो लपेट दिया पूरा देश, ये तो 2-3 महीने में से आधे देश को बेच देंगे। हाँ बहुत स्पीड से लग रही है बेचन। राकेश जी, सर्दी गर्मी बरसात और अब दोबारा सर्दी आने को, दोबारा सर्दी आ गई, चलता रहेगा। तो मौसम है भाई, मौसम तो बदलते रहे, मौसम बदलते ही ठीक रहे। एक लंबी बात सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप बताएं 11 महीने हो चुके हैं, अब किस तरीके से और अपना जो साथी है उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है, क्या बात हो रही है? बढ़ रहा उनका तो मनोबल, ठीक बढ़ रहा। हाँ किसान को यह कहा, जिसका जो पैदा हो रहा हो वो ले आओ, किसी का सब्जी पैदा हो रही, आलू पैदा हो रहे, वे ले आओ यहाँ पे। हाँ उसी से ये आंदोलन चलेगा। हाँ लोग तो कुछ और भी कह रहे हैं ना, लोग क्या कह रहे हैं? आटा तो चाहता नहीं, आटा तो बहुत आ रहा, दाल तो तेल तो नहीं है। गाना याद आ जाता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ लोग तो कहे करें, बिना कहे क्या कुछ ना कुछ हो कहना तो चाहिए भाई। हाँ तो ये राकेश टिकैत हैं जिन्होंने बात करी और बात में ही साफ कर दिया कि लोग तो हैं, लोग तो कहेंगे और लोगों का काम है कहना। हमारे साथ में राजवीर जादौन भी हैं। आप बताएं, लगभग 11 महीने हो चुके हैं, अब क्या आंदोलन लेकिन किस तरीके से रणनीति तैयार हुई? राकेश जी से बात हुई, राकेश जी कह रहे हैं 10 साल हो जाएं हम तो तैयार हैं। रणनीति शांतिपूर्वक, संवैधानिक तरीके से, मर्यादा में रह करके आंदोलन चलता रहेगा। सर्दी, गर्मी, बरसात और अब फिर दोबारा सर्दी, क्या कहिए? एक तो पहले ही सीजन गया, अभी तो अब ऐसे तो कई सीजन जाने वाले हैं। सरकार का जो माइंडसेट है उससे लग रहा है कि जल्दी नहीं मानेगी, और हम लोगों ने भी निश्चित कर रखा है कोई हमें भी जल्दबाजी नहीं है। अपना घर मकान भी ठीक से बन गए, खाना पीना घर का है ही है, खेती पाती भी घर का काम ठीक चलता रहता, आंदोलन भी ठीक चल रहा। अच्छा राजवीर जी, आप बस आ गए चुनाव 2022 के, क्या कहेंगे, क्या लगता है? अभी तो चुनाव वाले जाने को, जो चुनाव लड़ना जिनको, हमको क्या चुनाव लड़ना भाई? तो आपको भी होगा। अजय क्या अंदाजा, सरकार का तो अंदाजा होगा क्या रिपीट होगी, नहीं होगी, क्या होगा? हम वोटर किसी को भी वोट दे ले, बनता कोई और है, तो अब क्या मतलब है हमसे पूछने का आम मतदाता से? जिला पंचायत में आपने नज़ारा देखा, वोट किसी को दिया गया, बना कोई, तो वोटर का कोई मतलब नहीं रहेगा। कुल मिलाकर जान चुकी है। हाँ, जनता सब जान चुकी है। राजवीर जादौन ने बताया कि जनता को जानकारी है कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ में, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, 11 महीने लगभग खत्म होने को हैं, किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार बिल्कुल हो चुकी है, क्या कहेंगे? हमारी बात जायज़ है या नाजायज़ है? हम नाजायज़ है तो भाई हमें जेल में डाल दो, जायज़ है तो हमारी मान लो। दुख हमारा है, कष्ट हमारा है, पीड़ा हमारी है, हमारे ऊपर कानून थोप दिया, हम नहीं थोपवाना चाहते, तो इनका मतलब क्या कि ज़बरदस्ती कानून थोप रहे? भाई हमें चाह रहे, हम तो उसी राह पर छोड़ दो जिस पर थे, हमारा बड़ा भला हो बुरा हो, ये हमारा पूरा नाश कर देंगे अगर यही ये कानून आ गए तो। हमें हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ना, जो चली गई वो तो चली गई, जो आने वाली पीढ़ी है ना वो भी जीवन यापन का साधन उनसे छिन जाएगा हमेशा के लिए, और हम एकदम कगार पर आ जाएंगे बेरोजगारी पर। हमारे बच्चे फिर दूसरे धंधे करने लग जाएंगे जो इस समाज में नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ, विजेता लाल। आप ये बताएं कि खेती का निजीकरण की बात करी, लाल किला, एयरलाइन, रेलवे, निजीकरण पे क्या कहेंगे? कि सरकार ने जो करी, सरकार तो करी रही सारा निजी। किसी दिन ये संसद का भी निजीकरण होगा, संसद को भी ये ठेके पे दे देंगे, किसी विदेशी हाथों में दे देंगे, इसको बेच देंगे, फिर क्या बच जाएगा? ये तो बस एक संसद ही तो बच रही जिसका निजीकरण नहीं हो रहा, बाकी तो सारा निजीकरण कर दिया। छोड़ा क्या इन्होंने? निजीकरण कर के सब कुछ, सबका निजीकरण कर रहे। क्योंकि आप अलीगढ़ से हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अलीगढ़ से तमाम जगहों पर लोग नौकरी करने आते हैं, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली। अलीगढ़ में ख़ास तौर से एक ऐसा माहौल होता है, चुनावी माहौल। अब क्या लग रहा है आपको, क्या 2022 में क्या होगा? भाई 2022 तो जब आ जाएगा, रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा, अभी तो कुछ नहीं पता। अभी तो ये है कि भाई विरोध कर रहे, इस सरकार का तो विरोध कर रहे, ये बेईमानी से ईमानी से कुछ करके आ जाए तो पता नहीं, अन्यथा तो ये खड़ चुकी सरकार में तो कुछ बचाया नहीं। बात भी होती होगी आपके लोगों से? हाँ, सारी बात होती, गाँव में बात होती, गाँव से बिलोंग करता हूँ, खेती तो करता हूँ, किसानी तो हूँ, ग्रामीण इलाके में रहता हूँ, सारे बात हो रही। जो 90% वोट दिया किसानों ने, अब 5% भी नहीं, 10% भी नहीं, 7% भी नहीं। अब उम्मीद नहीं है कि दोबारा सरकार रिपीट हो? हम तो उम्मीद क्या, हम तो बददुआ भी देंगे इन्हें और इनका विरोध भी करेंगे। तरीके से लगातार किसान बददुआ की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं लगातार 11 महीने से वो डटे हुए हैं, और एक दर्द है उनके दिल में कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। आप बताएं, लगभग 11 महीने तो हो गए हैं, अब निजीकरण की बात भी सामने आ गई है। बीच में एक अमरिंदर सिंह जो हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो बात कर रहे हैं किसानों और सरकार के बीच बात करने की। क्या लगता है बात में कुछ हल निकलेगा? अमरिंदर सिंह इसी वर्तमान सरकार का जब हिस्सा बनकर बात कर रहे हैं तो किसान क्यों सुनेगा उन बातों को? तो बात तो किसान की भी रखने के लिए कह रहे हैं वो, लेकिन अब देखिए, किसान की बात रखने के लिए कह रहे हैं तो सीधे सरकार की बात भी सुनी जा सकती है। हम लोग इसीलिए यहाँ पर हैं कि किसान की बात सुननी चाहिए, फिर कहाँ अमरिंदर सिंह की ज़रूरत पड़ जाती है? बीच का रास्ता कोई नहीं निकल रहा ना, इस वजह से अमरिंदर सिंह आए हैं सामने। अब हमें तो आज तक ये पता नहीं चला कि सरकार कौन सा बीच का रास्ता निकालना चाहती है। ये बात कही गई थी कि MSP पर जो एक बड़ा नुकसान किसान को होता है उस पर एक कानून बन जाना चाहिए। अभी एक एजेंसी की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि किसान को एमएसपी पर कम कीमत मिलने के कारण 5.5 लाख करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष घाटा होता है, उतना किसान पर कर्जा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें और एमएसपी पर उसके बाद स्वामीनाथन कमेटी 2006 में उसकी रिपोर्ट आई। सभी सरकारें जो भी सत्ता में आती रहीं वो कहती रहीं कि हम उसको लागू करेंगे। इसने भी कहा था, दोनों बार कहा, 14 में कहा, 19 में कहा, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया गया। कौन सा बीच का रास्ता फिर निकालना चाहते हैं? तो लगता है कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। नहीं, बीच का रास्ता सरकार कहाँ निकालना चाहती है? किसान तो सहमत है, किसान तो इस पर सहमत है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट C2+50 को लागू करना चाहिए इन्हें, किसान उस पर सहमत है। उसमें कानून में संशोधन हो, जहाँ पर एक असीमित भंडारण की एक क्लोज डाला गया है। असीमित भंडारण तो कहीं भी किसी भी देश के हित में नहीं है, किसी भी उपभोक्ता के हित में नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि किसान का प्रोडक्ट, प्याज की बात करूं मैं, लहसुन की बात करूं मैं, गेहूं की, सभी जिनसों की अगर मैं बात करता हूं तो उतने कम कीमत पर किसान से खरीदी जाती हैं और जब बेची जाती हैं तो उनकी कीमतें 4-5 गुना हो जाती हैं। प्याज को तो हम हर बार देखते हैं कि वो 50 पैसे किलो में किसान से खरीदी जाती है और जब बेची जाती है तो उसके 50 रुपये से 100 रुपये किलो तक के रेट हो जाते हैं। दालों की वही स्थिति है। तो किसान को एक बड़ा नुकसान है एमएसपी पर कम कीमत मिलने से। और अब निजीकरण की भी बात की जाए। निजीकरण तो अब देखिए पूरा देश पता नहीं कैसे क्या होगा। इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक सरकार के जो संस्थान हैं वो इसलिए उनको जिंदा रखा जाता है कि वो जनता के लिए रहें, नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ सब पूरी तरह से जब व्यापारीकरण हो जाएगा तो व्यापारी तो एक ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करेगा। और हम देख रहे हैं सन 1967 से लेकर आज तक एग्रीकल्चर जिनसों में और अन्य वस्तुओं में जो कीमत का एक बेतहासा अंतर आया, 300 गुना तक अन्य कीमतें बढ़ी हैं। किसान की 19 गुना कीमत बढ़ी है सन 1967 से आज तक की बात अगर हम करते हैं तो 19 गुना और 300 गुना में कैसे मार्केट के सापेक्ष कैसे किसान चल पाएगा? उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और आज सिर्फ उतनी बातें कही गई थी, हम 300 गुना की बातें नहीं करी, हमने बात उतनी करी थी कि किसान को एमएसपी पर कानून बन जाना चाहिए। C2+50 जो किसान के लिए एक फार्मूला स्वामीनाथन कमेटी ने दिया था उसको लागू कर दीजिए। कानून जो आपने बनाए हैं उनको आप वापस कर लीजिए, वो किसान के हित में नहीं हैं, देश हित में नहीं हैं। यही बातें तो कही गई थी। और स्वतंत्र भारत में 10-10 माह तक विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसको प्रजातांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आप मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और जनपद अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, एजुकेशन क्या है आपकी? मैं LLB हूँ, BA LLB हूँ। मैं आपसे बात करके भी लग रहा है आप अच्छी खासी एजुकेशन आपने ली हुई। मैं छात्र जीवन से इस संगठन में हूँ। सन 1987 से मैं इसी संगठन में हूँ। 1989 में एक बड़ा आंदोलन खैर में हुआ था, आपके याद से पहले की बातें शायद रही होगी, और उसमें 6 किसान कुर्बान हुए थे, 6 किसानों की हत्या हुई थी। मैं उसमें शामिल था, मेरे पेट में गोली लगी थी, मैं उसमें बच गया था। आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये किसान नेता हैं, बहुत पुराने किसान नेता हैं जिन्होंने अपनी बात रखी। LLB इन्होंने की हुई है क्योंकि कुछ लोग जानते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो कम एजुकेशन में लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के किसान भी हैं जो लगातार भारतीय किसान यूनियन से सालों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है एक और शख्स जो कि किसान ही हैं लेकिन सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से हावी रहते हैं, अपनी बात रखते हैं। नानक सिंह की हम बात कर रहे हैं। आप बताइए हरेंद्र जी, आप बताएं कि किस तरीके का माहौल है 2022 में? अब लोग किस तरीके से चुनाव करेंगे? क्या चुनेंगे उस सरकार को जो अब हाल ही सरकार है या कुछ बदलाव आएगा? देखिए, अगर कोई आपको जहर दे रहा है तो क्या आप जहर पिएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं पिएंगे ना। तो अब किसान 11वां महीना लग रहा है और देश का किसान सड़कों पे पड़ा है, तो वो कैसे इसको वोट देगा? नहीं देगा। सॉरी, जब कोरोना काल में लोग तड़फे हैं तो वो वोट देंगे जो अपने पुरखों की, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, भाई बहन की, बेटे बेटियों की अंत्येष्टि नहीं कर पाए क्योंकि सरकार लकड़ी तक उपलब्ध नहीं करा पाई, कितना महंगा कर दिया। तो वो क्या देंगे? रोज़ बेरोजगार लाठियों से पिट रहे हैं, क्या वो वोट देगा? महंगाई आप आसमान छू रही है। कब से जुड़े हो आप भारतीय किसान यूनियन से, या किसानी आप कब से कर रहे हैं? हम तो खानदानी किसान थे, हैं और रहेंगे। और भारतीय किसान यूनियन जब से बनी है तब से हूँ। 17 बार किसान यूनियन के आंदोलनों में जेल भी जा चुका हूँ। 1987 में 27 दिन मेरठ में आंदोलन किया था, घर नहीं गए थे। 7 दिन बोट क्लब पे किया था 1988 में। मलिक साहब, आप पुराने नेता हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब बीच का रास्ता आपको लग रहा है, उम्मीद है कि हाँ भाई निकलेगा कुछ ना कुछ। अमरिंदर सिंह भी आए हैं सरकार और किसानों के बीच में, राकेश टिकैत कह रहे हैं हो सकता है निकल जाए हल, लेकिन लग नहीं रहा है। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हो सकता है निकले, आप कह रहे हैं कि हाँ उम्मीद है। इस बीच हल निकलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11 महीने हो गए हैं, सर्दी गर्मी बरसात भी देख ली, अब फिर दोबारा सर्दी आने को तैयार है। देखिए परेशानी तो है, देखिए परेशानी तो इतनी है कि जिस दिन वो दूसरी तरफ से हवा चलती है तो यहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता, और हम यहाँ बैठ के भोजन करते हैं, ठीक है, हाथ पर लेकर रोटी खाते हैं। मौत भी हुई है यहाँ, और मौत भी यहाँ हो चुकी है। और पूरे मोर्चों को अगर देखा जाए तो 700 से ऊपर मौत जाली, पर यहाँ से किसान डिगने वाला नहीं है, क्योंकि किसान ने ये साबित कर दिया, मुजफ्फरनगर की रैली ने पूरे देश पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि किसान न उपद्रवी है, किसान शांति से आंदोलन करता है, और किसान किसी को भी कठिनाई में नहीं देखना चाहता। यहाँ भी हम लोग पढ़े जो हमारे कारण लोग कोर्टों में जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, ठीक है, कि भाई लोगों को परेशानी हो रही, हमें भी पता, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे, हम नहीं चाहते उन्हें कि बीजेपी सरकार कह रही है किसान खुश हैं। नहीं, वो गलत कह रहे, किसान खुश नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? अरे भाई, मैं तो प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, कहने को और करने को जमीन आसमान का अंतर है, चल कर देख लो। कुछ ऐसा बंधन है जो उतर नहीं रहा है, इस वजह से लगातार किसान डटे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार किसानों का जमावड़ा बढ़ा हुआ है। किसान अलीगढ़ से, मथुरा से, आगरा से, इलाहाबाद से लगातार यहाँ डटे हुए हैं। बुजुर्गों की बात की जाए, जवानों की बात की जाए, मासूम बच्चों की बात की जाए, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर पढ़ाइयाँ तक की हैं, और इस तरीके का जो जगह बनी हुई है किसानों को रुकने के लिए, वो लगातार यहाँ बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं, यहाँ पर सोते हैं। आप बताएं, लगातार 11 महीने हो गए हैं, कितना दर्द है, क्योंकि सरकार तो नहीं मान रही है बात। 11 महीने हो गए, दर्द तो बहुत है किसान को, और किसान इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। भाई सरकार को तो आपका हमें बदलना ही बदलना, बनाई भी सरकार किसानों ने दी हो और उतारे गए किसान ही से। भाई मोदी जी के साथ हमने कोई बुरा तो करा नहीं था, वोट देख कर। बिजनौर से है, आप बिजनौर से हैं, क्या लगता है 2022 में भी अब तैयारी कर ली है चुनावों की, क्या लगता है बिजनौर का रुख किस तरफ है? बिजनौर का रुख तो बिल्कुल अलग है, आपका तो बिजनौर का रुख है ना, भाजपा तो है ना, चाहे किसी और देते हुए वोट भाजपा नहीं देने के। आप बताएं, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जैसा लाए थे ऐसे ही वापसी कर देंगे, इसे रहेगी नहीं हो, क्योंकि लगातार 11 महीने होने को जा रहे हैं और ये किसान की सुध लेने को तैयार नहीं है, तो क्या किसान इसे अब भी सहन करेगा? फिर भाई आपके साथ अगर मैं अन्याय कर रहा हूँ तो क्या आप फिर मुझे पसंद करेंगे? यही तो है, जब वो हमें हमारी एक रत्ती जो घोषणा पत्र उन्होंने दिया, सरकार बनने से पहले जो लॉलीपॉप हमें सपने दिखाए किसान को, आज कहीं उनका आता पता हो तो बता दो। तो आपने भी चखा? हाँ, खूब। आपने बीजेपी को वोट दी थी, बीजेपी को ही वोट दी थी। भाई किसान है, जब लोग बीजेपी को वोट ना दे या कोई सी भी पार्टी को, जब तक किसान वोट नहीं करेगा सरकार बन जाएगी किसी की। किसान की ताकत इतनी बड़ी है, किसान का वोट इतना बड़ा है कि जब तक किसान वोट नहीं करेगा सरकार नहीं बन सकती किसी की। क्या किसान वोट करेगा? कहना यही है, और क्या कहना है। 10 महीने हो गए, 11 महीने। बिजनौर फलौदी से, बिजनौर से ही हैं। 11 महीने हो गए, 11 महीने में एक इनसे ये कहते हैं कि MSP पक्की कर देंगे, कर देंगे। 11 महीने में इनसे एक MSP पक्की तो हुई ना है, हैं। और बड़े विश्वास के साथ इन्हें जो सत्ता में लाए थे हम लोग, और जिस विश्वास के साथ लाए थे उसी विश्वास के साथ अब इनका सफाया करते हैं। निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, लाल किला भी दे दिया, और अब बारी आई है एयरलाइन भी दे देंगे। ये सब कुछ बेच रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने तो खुला कह दिया प्राइवेटाइजेशन से पीछे नहीं हटूंगा, यानी जो और कुछ थोड़ा बहुत बच भी रहा ना वो भी प्राइवेट में करना। हम तो इनसे बुझे कमबख्तों से, अब जब तुम सब कुछ प्राइवेट कर दोगे तो इस्तीफा दो, सरकार का लाभ क्या रह जाएगा? फिर कहें के लिए सरकार बनेगी? सरकार का लाभ तो तभी था जब सरकार के अंडर में कुछ सामान रहता। ये सब कुछ गिरवी रख रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि हमने जो है लीज पे दे दिया, ठेके पे दे दिया, फलान दे दिया, तो इनके पास रह क्या रहा? इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो इसका कोई महत्व भी नहीं बचता फिर सरकार का। आप हैं बिजनौर, एक ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम वोटर्स हैं, और बीजेपी समर्थक भी हैं, किसान भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं जी। अब क्या लगता है किस तरह का रुख है? देखो ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन किसान में इस तरह से इस टाइम भाजपा के प्रति रोष है कि हमें तो उम्मीद नहीं है कि ये भाजपा दोबारा आएगी। बीजेपी की तरफ गुस्सा है, हालांकि किसानों का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज भी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान 11 महीने से डटे हुए हैं, अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार भी अपनी बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप देखें तो यहाँ पर तमाम छप्पर टाइप जो ये मकान नुमा बने हुए हैं, ये जगह जो बनी हुई है, यहाँ पर रात को किसान रुकते हैं। किसान हर जगह से, देश भर से यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। अब ऐसे में लगातार जिस तरीके से किसान हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी लगातार 11 महीने से यहाँ डटे हुए हैं और अपने समय को किस तरीके से काटें उसका इंतजाम भी करते हैं। बाबूजी कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद से। बाबूजी 11 महीने लगभग हो चुके हैं किसानों के यहाँ पर डटे हुए, आप भी एक किसान हैं, कितना दर्द है? दर्द तो बेनता है, पूरे आक्रोश में है, और जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, तीनों कानून वापसी हों और MSP कानून में लाई जाए, तब तक वापस नहीं होंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। आप मुरादाबाद से हैं, मुरादाबाद में किस तरीके का रुख है, क्योंकि 22 की तैयारी भी सरकार कर रही है, लगातार और पार्टियां भी कर रही हैं। भाई ये समझ लो जनाधार बिल्कुल इनका खत्म हो गया। बात होती है आपके अपने साथियों से? साथियों से बात, हमने पूरे क्षेत्र में घूमे, 27 की तैयारी रोड जाम के लिए पूरे क्षेत्र में घूमे, भारत बंद में, और वहाँ सारे लोगों से बातचीत हुई, सब पूरी जनता आक्रोश में है इनसे, ये मान कर चलो। और कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 71 वर्ष की। 71 वर्ष में आपने मौसम तो बहुत देखे होंगे, ये मौसम के बारे में? मैं तो चौधरी अमरिंदर सिंह टिकैत के साथ का लगा हुआ हूँ, समझ गए नहीं? सारे आंदोलन हमने झेले हैं, तिहाड़ जेल हमने देखी, अमेरिका हमने देखी, और साहब यूपी की तो बहुत, कम से कम हमने 23 जेलें देखी हैं। इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लगभग 11 महीने हो चुके हैं और सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन अब बीच का रास्ता निकालने के लिए अमरिंदर सिंह आए हैं जो सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थता, यानी बात करने के लिए आए हैं। पहले हमारा जो संयुक्त मोर्चा है, अमरिंदर सिंह उनसे बात करें, कैप्टन साहब जो हैं, पहले उस जो संयुक्त मोर्चा है उससे बात करें, तब उसके बाद में मध्यस्थता करें, ठीक है नहीं? बीच में कोई आदमी अगर बीच में मध्यस्थता करता तो वो खामखा फिर अपमान सहेगा, इसलिए पहले संयुक्त मोर्चे से हमारे से बात करें, तब उसके बाद में मध्यस्थता करें। हमें कोई ऐतराज नहीं, मध्यस्थता के लिए कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार किसान बात कर रहे हैं कि हमें कोई और मुद्दा नहीं चाहिए, मुद्दा वही है जो कानून वापसी की बात करते हैं। बाबूजी कहाँ से हैं आप? हम अमरोहा से हैं जी। लगभग 11 महीने हो गए हैं, फिर वही बात कि 11 महीने हो चुके हैं, कितना दर्द है, क्योंकि काफ़ी दूर से आए हैं आप, यहाँ पर डटे हुए हैं, उम्र भी है आपकी, कितनी परेशानी होती है, क्या लगता है सरकार अब सुनेगी आपकी बात? सरकार तो अब सुनने जा रही है, आपको भी दिखाई दे रहा है जो बंगाल में हो गया, यूपी में होने जा रहा है, और 11 महीने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम तो 24 तक की तैयारी, नए मकान तैयार हो रहे हैं, आप देख रहे हो, हाँ तैयारी बहुत आगे तक की है, मान जाओ, नहीं तो हम तो डटे पड़े। हाँ और बताइए आप क्या पूछ रहे हो? भाऊ जी एक बार बताइए आप, अब 2022 में क्या लगता है, क्या किस तरफ रहेगा रुख? अब ये कहते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, ऊँट हमारा साले को जिस करवट बांध देंगे उस करवट बांध देंगे। जो बंगाल में हुआ उससे बुरा हाल यहाँ होने जा रहा है सरकार का भाई। हाँ और इसमें मैं आपसे बताऊँ, मैं भी एक ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक हूँ, प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हमारे भी इसमें 1 लाख लोग उत्तर प्रदेश में सेवाएं करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारी योजना को बंद किया था जी, तो उसमें हमारे जो थे लोग, ये 50 रुपए पर केवल गांव को दवाइयां मिलती थी, उन्हें हम गांव में प्रथम उपचार के लिए दिया करते थे, उन्हें घर से बेघर किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब योगी जी ने 4 साल हो गए हमें जो है झांसा देते हुए। हमारी भी एक बहुत बड़ी फौज है, हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, गांव का मामला था, हम भी निराश कर दिया, आम जनता निराश कर दी, सारी पब्लिक निराश है, तो भाई एक तूफान सा आने वाला है। ये तो इसमें जो बंगाल में उससे ज़्यादा बुरा हाल यहाँ सरकार का होने जा रहा है। योगी सरकार में किस तरीके की सुविधाएं मिली आपको? हमें तो एक भी सुविधाएं नहीं मिली। जो ये योगी सरकार बता रहे कि मोदी जी ने 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड जो है बनाया है, मेरी घरवाली 2 साल में प्राण त्याग दिए। हर हॉस्पिटल में, जिले में गया, प्राइवेट में गया, एम्स तक में गया, किसी ने 5 लाख का कार्ड यूज हमारा नहीं करवाया। प्राण बना हुआ था आपका जी, कार्ड बना हुआ था। हाँ, मेरा कार्ड बना हुआ था, किसी माल नहीं करता, किसी ने नहीं पूछा। अब उसमें जो ऑपरेशन हो कोई बड़ा, 5 लाख का, 6 लाख का, इसका पेट फट जाए, सारा शरीर फट जाए, उसके लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन जो थोड़ा और कम मर्ज है उसे नहीं पकड़ते ये लोग। अब बताइए, ना तो कोई पेट फटवाएगा ना कोई मरेगा, तो ये कार्ड तो बेकार रखा भाई, आयुष्मान जो है। और जो योजनाएं आई योगी जी की, क्या वो समझ में नहीं आई? नहीं, योजनाएं काय के लिए बहकावा कर रहे हैं। एक हमारे साथ बहकावा कर दिया, 20 साल हमने 50 रुपए के मानदेय पर काम किया, क्या योजनाएं? आज दिखावा कर रहे हैं, कल कोई दूसरी सरकार होगी इन्हें हटा देगी। क्या कर रहे हैं ये सब दिखावा भाई ये। हाँ, पूरी नाराजगी है, पूरी नाराजगी है भाई जनता में। 22 में क्या लगता है? 22 में ये तो भाई गए, ये नहीं रुके यहाँ। 22 में ये तो गए। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि अब सरकार नहीं टिक पाएगी। ये थे गाजीपुर पर बैठे किसान जो लगातार 11 महीने डटे रहे, और अब बात कर रहे हैं उस बात की जो बात अब लग रही है उम्मीद से कि क्या कोई हल निकलेगा। 2022 पर बात करने पर किसानों ने साफ कर दिया कि अब कुछ भी हो उन्हें उनके रास्ते पर दोबारा नहीं लाना, यानी कि उन्हें हराना है। कुल मिलाकर तैयार हैं ये किसान अपनी बात पर अड़ने के लिए। लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है MSP पर लिखित कानून, 3 कानून की वापसी, उसके बाद ही यहाँ से घर वापसी। चलिए फिर आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, कोई नया मुद्दा लाते हैं, कोई नई जगह पर चलते हैं और लोगों से जानकारियाँ उपलब्ध करके आप तक पहुँचाते हैं। तो ये थे गाजीपुर में बैठे वो किसान जो लगातार ये बता रहे हैं कि 2022 में इस बार मुंह की खानी पड़ेगी, सरकार में बदलाव ज़रूरी है। और अब बात करने के लिए अमरिंदर सिंह आए हैं। हालांकि बात होगी या नहीं होगी ये उम्मीद ज़रूर जताई जा रही है। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से जितेंद्र भाटी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।